साथियों, हमारी सरकार देश के विकास को दो पटरियों पर एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहली पटरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हाईवे, रेलवे, एयरवे, बिजली, इंटरनेट, ऐसी सुविधाओं का विकास। और दूसरी पटरी गरीब, किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग का जीवन, माताओं बहनों का सम्मान, ये सब आसान बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इन दोनों पर साथ चलते हुए इस बार केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें भी अनेक बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे किसान परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनके लिए पीएम किसान सम्मान निधि नाम की योजना बनाई गई है। आपने देखा होगा कि पहले, और मैं चाहूंगा काशीवासी इस बात को भली भांति जरा समझिए, ताकि आप झूठ फैलाने वालों को, गुमराह करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सको। जवाब दोगे? जवाब दोगे? पक्का दोगे? आप सुनिए, आपने देखा होगा कि पहले 10 वर्ष के बाद 10 साल में एक बार कर्ज माफी का ढिंढोरा पीटा जाता था और सिर्फ 50-55 हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी की जाती थी। और उसमें भी एक गांव में अगर 100 किसान है तो कहीं 20 को लाभ मिलता था, कहीं 25 को मिलता था, उससे ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलता था। अब जो योजना हमने बनाई है इससे 10 वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपया, कहां 50-55 हजार और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में जमा होगा। इससे यूपी के लगभग 2.25 करोड़ गरीब किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इस पैसे का उपयोग अब किसान परिवार बीज, खाद, कीटनाशक जैसी जरूरतों के लिए कर पाएगा। अब उसको साहूकार के पास से महंगे ब्याज वाली रकम से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। भाइयों और बहनों, देश विकास की इन दो पटरियों पर तेज गति से तभी दौड़ पा रहा है जब काशी ने, उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने एक मजबूत सरकार के लिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार के लिए पिछले चुनाव में वोट दिया था, जनमत दिया था।